अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखें मेरे हाथ में जितना भी पैसे हैं ये मैंने ऑनलाइन कमाए हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों को यार मैंने देखा है, ये देखें तकरीबन ये तकरीबन ये 1 लाख रुपया है, ठीक है। आपको नज़र ही रहा होगा कि ये कितना है, ठीक है। ये 1 लाख रुपया मैंने ऑनलाइन कैसे कमाया है आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वो ट्रिक्स, वो चीज़ें, वो बातें जो मैं करता हूं और मैं कमाता हूं। देखें नाज़रीन, काफ़ी लोग जो है ना मुझ पर यकीन नहीं करते कि यार आप झूठ बोलते हों, शायद आपके व्यूज़ नहीं आते इसलिए आप फेक हैं। काफ़ी लोगों को यार मैंने देखा है जिनके व्यूज़ नहीं है, ठीक है मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे और मुझे ये तो ना समझें कि इसको पता किसी चीज़ का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ कम व्यूज़ के अंदर। मैं कहता हूँ कि यार मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर वो भी कमाएं कम अरसे में और इतना पैसे ज़्यादा कमाएं, किस तरीके से कमा सकते हैं। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2-3 तरीके हैं, आप लोगों ने बस वही करने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले मैं आपके साथ 2-3 बातें करना चाहता हूँ। देखिए नाज़रीन, मैंने सोशल मीडिया पर काम स्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों की मैंने वीडियोज़ देखी, वो कहते थे कि वेबसाइट बनाएँ, कोई ऐप बनाएँ, तो एक दिन में 20,000 कमाए। नाज़रीन मैंने सब आजमाए, सब झूठ होता है। यकीन करो, पता नहीं ये टेक वाले यूट्यूबर क्यों झूठ बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं। नाज़रीन मैं आपको एक मिसाल देने वाला हूँ कि मैंने एक वेबसाइट के ऊपर मैंने 6,000-8,000 रुपया लगाया। उसी टाइम उन्होंने कहा आपको इसका जो है ना दुगना मिलेगा और आप इस पर इन्वेस्ट करें और काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात को पूरा समझना है और सुनना है, फिर मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। देखिए नाज़रीन, मैंने जब उसके अंदर वो पैसे डाले हैं कैश माल के ज़रिए तो मेरा पूरा 8,000 रुपया ख़त्म हो गया। देखिए मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास पता नहीं 8,000 कहाँ से आए। मैंने 2,000 किसी से लिए, 1,000 किसी से लिया, फिर 8,000 इकट्ठा किया। उसके बाद मेरा अगर उसी टाइम 8,000 ज़ाय हो जाए तो फिर मैं क्या करूँ। देखें नाज़रीन, किसी की बातों में ना आए, यकीन करें। अगर आपके अंदर यकीन है तो मेरी बातों पर अमल करें, आप कमाएं। जो भी ऐप हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, सब फेक हैं। कोई 100 में से 1 अगर सच्ची निकल आती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता है तो वो कुछ ना कुछ देती हैं, अलबत्ता जहाँ तक मैंने देखा है। देखें नाज़रीन, मैं ठीक है मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी काम किया है सोशल मीडिया पर और आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं आपके सामने है। देखें मैंने सब चीज़ें आजमाई हुई हैं, यकीन करें। ठीक है मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे लेकिन मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझ जैसे गरीब आदमी हैं, जो गुर्बत के हाल में हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो उनको समझा रहा हूँ। नाज़रीन जो भी वीडियोज़ हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो देखकर आप वो काम करते हैं, अब अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। देखें नाज़रीन, वेबसाइट में ना पढ़ें, आपको फ़ायदा नहीं देंगी, ठीक है। अब जब तक 2-3 साल आप उस पर काम करते हैं तो कमाने के लायक होंगे। आप 1 महीने के अंदर अगर लाखों रुपए कमा सकते हैं तो क्या ज़रूरत है आपको 6 साल लगाने की। आज से ही आप वो वेबसाइट्स, वो ऐप्स वगैरह कोई भी चीज़ है ना पढ़ें, उनमें आप नहीं कमा सकेंगे क्योंकि मैंने 6 साल लगाए हुए हैं। नाज़रीन मैं 2-3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आजकल बिल्कुल ज़्यादा पैसा दे रही हैं। लेकिन हाँ, आप कहेंगे कि यार आपने बता दिया, हमने एक वीडियो लगाई, हम तो नहीं कमा रहे। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से होगा, आप लोग दिन रात मेहनत करेंगे, ये वादा आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी, फिर देखना कि अल्लाह पाक कैसे आपको देता है। नाज़रीन सब चीज़ें एक साइड पे रख दें, उसके बाद सिर्फ आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और फेसबुक पेज बनाएं। ये 2 चीज़ें बिल्कुल अहम हैं जिनसे मैं भी कमा रहा हूँ। हमारे 2 चैनल हैं, हमारे 2 पेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हमारी सोच से भी ज़्यादा हम कमा रहे हैं। तो यार आप क्यों नहीं कमा सकते। हम कोई ऊपर से थोड़ी आए हैं कि हमारे अंदर कोई और टैलेंट है। हर इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है कमाने के लिए। यार करें कुछ ना कुछ। अगर आपको चैनल बनाना नहीं आता, अगर आपको फेसबुक से कमाना नहीं आता,
तो यार क्यों लेट कर रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझाने के लिए तो बैठा हूँ, सब चीज़ें आपको समझाने के लिए बैठा हूँ कि यार पेज की सेटिंग इस तरह करें। अगर आप लोग कहते हैं हाँ पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, वो खुद मैं आपको करके दूंगा यार, मैं करके दूंगा, मुझसे रब्ता करें। अगर आप पेज बना लेते हैं, उसका क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घर बैठे कैसे कमाएं, तो मैं आपको जो है ना मोनेटाइज करवा के दे दूंगा, आप पैसा कमाएं। यार कौन सी इसमें बात है, मेरे लिए आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको करवा के दूंगा। लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ दो चीज़ें रखें, यूट्यूब रखें और फेसबुक रखें, अपना टैलेंट जो आपके अंदर है वो दिखाएं, आप भी इतना कमा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना घर चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन बस ये चीज़ें बताने आई हूँ, जो फेक लोग समझाने के लिए कोशिश करते हैं अपने व्यूज़ के चक्करों में कि यार फ़िलहाल वेबसाइट बनाए, फ़िलहाल ऐप बनाए, मैंने सब आजमाए हुए, उनके चक्करों में ना पड़े। सिर्फ दो चीज़ें आपको मैंने रियल बताई हैं, ये चीज़ें इनकम दे सकती हैं पाकिस्तान में, आप लोग कमा सकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ मेरी बातों पर आप अमल करेंगे। देखें मैं आपकी यकीन करो, मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक इतना अदना जा, मेरे पास पैकेज लगाने के पैसे नहीं होते थे, मैं किसी से मांग के लगाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन मुझे वो वक्त याद आता है, मेरे जैसे आज जब मैं पीछे अपनी नज़र डालता हूँ तो मुझे नज़र आते हैं लोग कि यार मेरे जैसे लोग पता नहीं हज़ारों की तादाद में होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं अपना जो है ना वो वक्त नहीं भूलता कभी। मैं आज भी पीछे देखता हूँ तो मुझे अपना वक्त अपना वो ज़्यादा आता है कि यार मैं जो है ना पैसे मांग कर पैकेज लगवाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना अपने गरीबों की हेल्प करूँ। देखिए मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना तो कर सकता हूँ, आपको बता तो सकता हूँ कि यार इस तरीके पर चलें, ये सीधा रास्ता है, ये उल्टा रास्ता है, इस पर ना जाएँ, इस पर आपको जो है ना नुकसान आएगा, इस पर आपको फ़ायदा आएगा। तो नाज़रीन यकीन करो, अगर जो लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे, मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज मैं कमा रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर कमाएंगे। नाज़रीन सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने गरीब दोस्तों को ऊपर लेकर आना है, ये मैंने वादा करके रखा है। और आज से मैं देखें इस चैनल पर मैं व्लॉग अपलोड करता था, मुझे कोई शौक़ नहीं था, ठीक है, मैं व्लॉग में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं व्लॉग बना सकता हूँ, मैं कैमरा उठा सकता हूँ, क्यों मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ मैंने अपने पीछे निगाह की, मैंने देखा कि यार मुझ जैसे गरीब, मैं जैसे बड़े बड़े यूट्यूबरों की वीडियोस देखकर थक चुका था कि मुझे समझ नहीं, आज मैं खुद मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैंने कहा यार मैं अपने दोस्तों को बताऊँ कि यार उन चक्करों में ना पड़े। काफ़ी लोग, एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, वो कहता है कि एक सेकंड में $10 कमाएं, लेकिन वो फेक होता है। कोई कहता है इस तरीके से कमाएं, कोई कहता है इस तरीके से कमाएं, सब दिमाग जो है ना आपका घूमने लग जाएगा कि यार ये क्या है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, यार किसी की बातों में ना पड़े, आप उसको छोड़ दें, आप मेहनत करें बस। आप जब मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपकी मेहनत को रंग लाएगा, आप एक दिन ज़रूर कमा पाएंगे। अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं, एक महीना लगा देते हैं, यकीन करो, गारंटी मैं देता हूँ, कामयाबी अल्लाह पाक देगा, आप एक माह के अंदर आप कामयाब यूट्यूबर बनकर ही रहोगे। और मुझे नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि कंग्रेचुलेशन भाई, आपने हमारी सपोर्ट की, आपने हमारी हेल्प की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि यार कब आप मुझे ये मैसेज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी जो बातें हैं वो आप लोगों के जहन में आई होंगी कि आप लोग अमल करेंगे, अपना वक्त ज़ाय ना करें यार, बचाएँ कुछ, अपना टाइम बचाएँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करें यार, अपने ख़ानदान के लिए कुछ करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरा ख़ानदान पता नहीं किस मुसीबतों से गुजरा है, वो मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि यार हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं, और दूसरों की हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने ये वादा किया था कि यार जब मैं कमाने के लायक हो जाऊँगा तो मैं ख़ुद दूसरों की हेल्प करूँगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मकाम पर हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ यार, मैंने अल्लाह पाक से वादा किया था। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पक्का वादा मैंने किया है कि मैं आपको समझाऊँगा, आपको अपने साथ खड़ा करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपने भी मेरे साथ साथ चलना है, मेरी वीडियोस को आप अधूरा छोड़ देंगे तो यार आप कैसे समझेंगे। यकीन करो मैं इंटरेस्ट रखता हूँ व्लॉग में, लेकिन मुझे शौक़ भी व्लॉग का था, लेकिन मैं बनाना आज से छोड़ दिया है। मेरा जाम हनीफ व्लॉग्स चैनल का नाम है, आज से मैं चेंज कर रहा हूँ,
ठीक है, जाम हनीफ ऑफिशियल रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। ठीक है, हमारा व्लाग में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरे भाई का जाम इमरान ऑफिशियल, वो वहाँ हम व्लाग अपलोड करते हैं, हम इकट्ठे बना दिया करेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को यहाँ मैंने खड़ा करना है दोस्तों, जिस चीज़ का पता ना हो, यूट्यूब बनाना ना आता हो, पेज बनाना ना आता हो, उसकी सेटिंग्स ना आती हो, कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।